नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज जो है रतिया तहसील से तहसील मुख्यालय के ग्राम पंचायत रतिया में खड़े हैं, जहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जो है ईवीएम का प्रदर्शनी का जो प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पर, जो लोगों को बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समूचे प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव में सरपंच प्रत्याशियों को ईवीएम मशीन से मतदान किया जाएगा। पूर्व में बॉलेट पेपर के द्वारा मतदान किया जाता था, मगर सरकार की इस अनोखी पहल से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सतत गांव-गांव जाकर मतदान में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या चूक ना हो, इस हेतु ग्राम पंचायत कटिया में भी सोमवार हाट बाजार एवं सतत ग्राम पंचायत कार्यालय में ईवीएम से मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु प्रदर्शनी लगाई गई। स्वागत जिंदगी के लिए सलमान मंसूरी की रिपोर्ट। हो रहा है तो हम बात करेंगे अधिकारी से, जो करेंगे बोली। हाँ देखिए, ये निर्वाचन के निर्देशानुसार जो है हमें हमारी टीम दौरान ईवीएम मशीन के प्रदर्शन और लोगों की जागरूकता के लिए लगाई गई है। हम यहाँ पर जनपद मुख्यालय पर जो है लोगों को इस मशीन की जानकारी देकर, उन्हें अपने मताधिकार के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को मशीन के द्वारा उन्हें प्रैक्टिकली मतदान करवाने का भी हम दिखा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे अनुभागीय अधिकारी महोदय के आदेश से हम यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपने और कहीं प्रदर्शनी लगाई? हाँ, कल सोमवार का दिन था, यह घटिया में हाट बाजार लगता है, तो हमने वहाँ जो है बाजार में हाट बाजार में जाकर प्रदर्शन किया। कल दिन भर वहाँ काफी लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को जाकर।